हे गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फिलहाल आज है भाई बुधवार और फिलहाल सुबह के हो रहे हैं अभी 11 बज रहे। हाँ, आपको तो पता ही, सुबह मैं तो रोज, ये तो रोज की बात है, मैं उठता हूँ तो लेट ही उठता हूँ, क्योंकि सोता हूँ लेट, कुछ सोता हूँ। कल के ब्लॉग पे तो आप लोग देख चुके होंगे कि 3 बजे भाई मैं, 3 बजे नहीं तो 4 बजे सोया, 3 बजे मतलब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हुआ जो गेमिंग का। 3:30 बजे थोड़ा देखा क्या क्या मैंने शूट किया, उसके बाद सोया तो 4 बज गया था। तो फिलहाल यही था अपना रेगुलर चल रहा है, तो ऐसा कब यह शेड्यूल खत्म होगा मुझे पता नहीं, देखते क्या होता है। तो फिलहाल सोच रहा हूँ कल से भाई जल्दी जल्दी उठूंगा और सोऊंगा भी बहुत जल्दी जल्दी आज रात को, क्योंकि 12 बजे के सो जाऊंगा, 6 बजे उठूंगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक ले जाऊंगा, क्योंकि भाई मोटा सोटा हो चुका, देखो पेट फेट बढ़ चुका है भाई। एप्स कहाँ गए मेरे को पता नहीं, एप्स थे भाई सीरियसली मतलब नहीं दिख रहे थे, लेकिन आ गया था मेरा आ गया था एक्चुअली स्पोर्ट्स टाइम पे। तो फिलहाल निकालेंगे फिर से, सुबह उठ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह दीदी तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, इसलिए भाई दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो अभी भूख लग रही है, फ्रेश हो चुका हूँ, जाता हूँ सीधा कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आज थोड़ा हेल्दी खाएंगे भाई इसलिए। चलो जी, फिलहाल मम्मी अपने काम पे लग चुके हैं और ये तो रोज़ का काम है, और ये फिलहाल कुछ खा रही है मूरी के साथ चाय, और ये राज बन रहा है हमारा सुखवा करी। सुखवा करी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, रुको। सुखवा करी एक्चुअली होता है वो, सुखवा मतलब हम लोग बोलते हैं उसको, जो मछली को समंदर के किनारे सुखाया जाता है, ठीक है, सूखने के बाद उसमें नमक डालते हैं। एक तो नमक वाला सुखवा होता है, एक तो होता है नॉर्मल सुखा, नॉर्मल सुखवा वही धूप पे ही सुखाते हैं, सूखने के बाद उसको लाके बेचते हैं, वही खाते हैं भाई। उस पर भी कुछ प्रोटीन है, डॉक्टर वाले बोले थे उस पर भी कुछ प्रोटीन है, मेरे को पता नहीं, लेकिन इसको खाना ही पड़ता है क्योंकि घर पे जो बनता ही नहीं, इसीलिए। तो अभी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट में आपको बोला था ना, ये तो सुबह सुबह दीदी ओट्स बना कर रख चुकी हैं, तो फिलहाल ओट्स बनाते हैं और मस्त अभी खाते हैं, चलो। सो गाइस, ये आ चुके हैं अपना मस्त अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि है ओट्स और ये रहा अनार, और फिलहाल इस पे हम लोग डालेंगे गरम पानी। ओ भाई हाँ जी, हो और थोड़ा और थोड़ा, अभी इसमें डाल दिया मैं अच्छे से गर्म पानी, फिलहाल अभी इसको मस्त खाएंगे। सो गाइस, फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुका है ख़त्म, और भाई धूप, ओहो तगड़ी लेवल का धूप लग रही है आज, हाय हाय। तो फिलहाल अभी मैं और दीदी निकलेंगे और रिलायंस को, क्योंकि कुछ संभाला नहीं घर का, और अभी मेरे को दीदी बोल रही थी कि चल के जाएंगे, चल के जाएगा तू? हाँ, मुझे बोल रही थी कि रिलायंस चल के जाएंगे, पागल है क्या? यहाँ से तो 2 किलोमीटर होते हैं और सामने एनएस पड़ता है, एनएस को भाई क्रॉस कैसे करेंगे? उसके लिए तो अंडरग्राउंड के नीचे से हम लोग को जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से हो गया और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो मिलके हो गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाएगा चल के घर से? हमारे को बहुत पता है, तो बहुत जाएगा, पता है पता है, मुझे पता है बहुत जाएगा। तो चल जल्दी निकल, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। तो फिलहाल मम्मी अभी उनके लंच शुरू कर चुकी हैं, और फिलहाल मैं आके ही लंच करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी खाया हूँ रिसेंटली। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट किया, सुबह होता है दिन के 11 बजे और रात होता है मतलब गुड नाइट होता है सुबह के 4 बजे, ये अपना शेड्यूल है। और कुछ बोले क्या? शेड्यूल चेंज कर, कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ, शेड्यूल चेंज कर, वो आने वाने के टाइम पे होगा भाई, अभी तो नहीं होगा भाई। फिलहाल अभी मस्त रेडी हो जाते हैं, रेडी होने के बाद निकलते हैं सीधा सिंपरी को, कुछ सामान लाना है ग्रोसरी, तो चलो निकलते हैं। सो गाइस, फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, मतलब मैं रेडी हो चुका हूँ, आज बिना हेलमेट से जाके भाई, कि अभी गिरने वाला था नीचे, क्योंकि हम लोग को नीचे से ही जाना है, तो बेकार में हेलमेट क्यों लगे भाई। ए बैग भाई, मैं बैग भूल गया था, बैग लेके आया, बैग बड़ा वाला, बड़ा वाला नया टा। चलो जी, अब चलते हैं सीधा कोड़ी लाइन को अपनी ग्रोसरी लाने के लिए, यू और अपनी जो भी ये रही, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई भाई, उस दिन से सफाई नहीं हुआ है अभी तक, मैं कुछ सफाई नहीं की, कौन भोग रहा है भाई, कौन कौन है? ऊपर वो चलो अभी निकलते हैं,
सीधा तक मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस प्लान पे, फिलहाल हमारा गाड़ी पार्किंग पे रख चुका हूँ और तभी चलते ऊपर। और भाई धूप इतना ज़्यादा है, लग रहा है गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन अभी सर्दी ख़त्म नहीं हुआ भाई। अभी हाँ डेढ़ महीना सर्दी है, लेकिन अभी जितने ज़ोर से धूप हो रहा है ना, अभी पार्किंग के लिए अंदर आया तो भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पे गाड़ी रखना है। ये देखो बाहर कितना ज़्यादा भाई धूप है। तो चलो अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके अपना जो सामान है सामान लेते फिर निकलते हैं। तो लोगों अपना सामान आ चुके हैं और अभी हम दोनों निकल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देख देख के देख देख के एक घंटा हो चुका है इसके अंदर, लेकिन हम लोग ऐसे घूम रहे थे अंदर। सामान जो लेना था ले चुके थे, लेकिन फिर भी देख रहे थे भाई किसका प्राइस कम है किसका प्राइस ज़्यादा है, नहीं किसका प्राइस कम है किसका प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा देख रहे थे। फिर आएंगे फिर लेके जाएंगे अगले हफ्ते, हमारा यही चलता है करते। और यहाँ पे किसी का शादी वादी हो रहा है सामने, मस्त डेकोरेशन हुआ है भाई अवंटे। तो चलो अभी चलते हैं, घर को भूख लग रही है मेरे को तगड़ी लेवल का। सो गाइस फाइनली घर पे आते अभी फिलहाल पहुँच चुके हैं और चलते ऊपर, भूख लग रही है भाई अलग ही लेवल का भूख लग रही है मेरे को। ये तो खा चुके हैं इसलिए इसको भूख नहीं लग रही, लेकिन मेरे को भूख लग रही है सुबह सिर्फ ओट्स खाया था कुछ नहीं। चलते हैं अंदर अपना मस्त लंच करते हैं, लंच करने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। चलो बाथरूम का लाइट क्यों ऑन है भाई? ये लो जी सामान आ चुका है, अभी चलते हैं लंच करने के लिए, भूख लग रही है थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं पहले। सो गाइस ये आ चुका है अपना मस्त अपना लंच, ये रहा अपना राइस और ये रहा सूखा की करी। फिलहाल अभी मस्त लंच करते हैं, लंच करने के बाद अपना जो काम है शुरू करते हैं, फिलहाल लंच खत्म कर लेते हैं पहले। सो गाइस मस्त लंच करके अभी भाई सो गया था और सोते सोते भाई फ्लाइंग बिस्ट के न्यू ब्लॉग जो बिल्ली वाली आई थी वो भी देख रहा था मैं भाई, भाई तबाही मचा दी अभी उनके घर पर। तो अभी फिलहाल चलते हैं, जो मिल्क बिक्स लाए थे एक दो खाने के लिए, दीदी फिलहाल गई है उसको खाने के लिए, मैं निकलता हूँ अभी रुक। और ये मिल्क पिक्स, मिल्क पिक्स, ये लो जी अपनी मिल्क पिक्स। मत जाओ। कितना दो? कितने बिस्किट चोरी? हाँ चोरी नहीं यार भाई, बिस्किट मेरा ऐसा एक चीज़ है, मतलब रह नहीं पाता हूँ बिस्किट के बिना मैं। तो अभी फिलहाल मैं और दीदी रेडी हो चुके हैं, दीदी जाएगी उनके कोचिंग को, मैं जाऊँगा सेव करने के लिए। तो चलते नीचे चलो। One hour later. तो वैसे अंदर गया था मतलब सैलून आया था, सैलून में भीड़ है तो आधे घंटे बाद जाऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हो रहा है कुछ क्या है, गांधी स्मृति पल्लीश्री मेला, तो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। चलो बहुत सारे दुकान खुला है इसके अंदर, वाह। एक्चुअली एक स्कूल है जो अरविंद स्कूल है इसके अंदर, और यहाँ फिलहाल चल रहा है कुछ सेलिब्रेशन, मतलब गांधी जी का जो बर्थडे था, तो इसलिए मुझे आज हो रहा है मेरे को पता है गांधी स्मृति पल्ली से मेला पड़ा है आज ही। भाई साहब अलग ही लेवल का भीड़ है इसके अंदर, मतलब बहुत सारे दुकान है ना पीछे देखो, बहुत सारे दुकान है इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं चलता हूँ भाई, मेरा जो काम है वो काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी को दिखाना भूल गया था, ये देखो ये है हमारे महात्मा गांधी जी बापू जी सामने। गाइस मैं इधर आया हूँ लेकिन मेरे को इधर से कुछ लेना नहीं है, क्यों पता है? एक तो ये गाना चल रहा है पीछे भाई, आप लोगों को पता ही होगा भाई कॉपीराइट आएगा मेरे को लग रहा है जैसा, और दूसरी बात है बेवजह मैं पैसा कभी खर्चा ही नहीं करता हूँ, तो इसलिए जो काम के लिए है वो काम करेंगे, मतलब सैलून है सैलून पर जाएंगे अपना सेविंग वगैरह करेंगे। उसके बाद भाई मुझे लेना है कैपकॉड, लेना है लाली से, क्योंकि मेरा कैपकॉड एक्चुअली काम नहीं करे इसलिए उससे उसका कैपकॉड लूँगा। फिर चलते हैं सीधा घर को, घर जाने के बाद टेक वीडियो का शूट करना है, गेमिंग वीडियो का मतलब वॉइस रिकॉर्ड भी करना है, बहुत सारे काम है। तो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, खाने के बाद निकलते हैं सीधा सैलून को, उसके बाद काम खत्म करके घर को निकलते चलो। सो गाइस सैलून से सेविंग होके सीधा मैं आ गया था दीदी को लेकर, भाई फसड़ इतना लग रही थी उधर, मतलब जाम लगी हुई थी। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ धर्मठ कुछ सोप लेने के लिए, उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस फाइनली रीच्ड होम, और फिलहाल आते समय जो देख बोला था कि दो मिनट को गया था, और ये देखो मैं प्योर साबुन लेने के लिए गया था,
बड़ा वाला नहीं था, ये छोटा वाला मिला मेरे को। छोटा का प्राइस कितना पता है? 15 रुपये। दो लेके आ गया, बड़ा वाला तो खत्म हो गया था। तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधा फ्रेश होने के लिए। और सेविंग द अपन सेविंग तो मैं हो चुका हूँ एकदम चकाचक। सेविंग नहीं, स्ट्रीमिंग कर दिया, 0 पे कर दिया, क्योंकि सेविंग मूड नहीं हुआ। और भाई कल से सुबह उठ के फिटनेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेट बढ़ चुका है भाई, तो इसको कमाना पड़ेगा फिर से। तो फिलहाल अभी जल्दी सीधा फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ। चलो सो गाइस, फाइनली रात के हो चुके 12:20। और फिलहाल मैं कुछ काम कर रहा था अपने सिस्टम पे, और भाई भूख तगड़ी लेवल का लग रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कुछ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ मन के नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल घर पे तो हर कोई सो चुके हैं। फिलहाल खाने पे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, रुको भाई। रात के सब सो चुके हैं, मैं अभी फिलहाल खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। वही कुछ नहीं खाने वाला हूँ, बस ऑमलेट खा लूँगा। ऑमलेट खा के सीधा सो जाऊँगा, और कुछ नहीं खाना। सो फिलहाल ऑमलेट खाने के बाद मिलते हैं फिर से। चलो गाइस, फाइनली ऑमलेट खा के भाई मतलब डिनर हो चुका है खत्म। मैं ऑमलेट ही खाया और कुछ नहीं खाया हूँ। और अभी भाई नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना, क्या करूँ। उस मतलब शाम को तो आने के बाद कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाया, उसके बाद तो सीधा आके फ्रेश होके अपने एडिट पे लग गया। सो यही था आज का दिन। तो ब्लॉग के साथ आप प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमसे भी और एक न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।